नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो हमारा टीम है अरुणाचल टुडे टीम, लगातार नाबम रूंगी ISBT लेखी को लगातार हम न्यूज़ बनाए, क्योंकि सभी को पता है हर साल मानसून में जो ISBT वो स्विमिंग पूल बन जाता है, पूरा फ्लड आकर यहाँ पर पूरा मडी हो जाता है। तो हाल ही में ही सेप्टेम्बर के महीने में हमने जो कंसर्न एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से हमने इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने कहा था कि जो 4 करोड़ समथिंग अमाउंट है गवर्नमेंट की तरफ से सेंक्शन किया गया है और जल्दी ही काम शुरू होगा। तो हम बता दें कि इस वक्त हम आए हुए हैं ISBT में, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो काम चालू हो चुका है, यहाँ पे ऑलरेडी ड्रेनेज सिस्टम के लिए कुछ उन्होंने खुदाई चालू हो चुका है। और मैं बता दूं कि अभी जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है वो विजिट में आए हैं, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन हम बता दें कि ये जितना भी आप मड्डी देख रहे हैं, जितना भी जो मट्टी यहाँ जमा देख रहा है, इवन मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो दिखाए इस तरफ जो वाल बना हुआ है, मड से कह सकते हैं मट्टी का जो वाल बना है, ये पूरा जो बैक साइड अपस्ट्रीम जहाँ पे अर्थ कटिंग किया जाता है वहीं से फ्लो होकर यहाँ आता है। तो आज हम क्या करेंगे, जैसे सर मैंने कहा कि सर विजिट पर आए हैं, तो अभी हम सर से मिलेंगे और सर से जानेंगे कि अपडेट क्या है, क्या क्या बन चुका है, क्या क्या बनना बाकी है और कब तक बन जाएगा, ये पूरा डिटेल हम सर से जानेंगे। चलिए अभी हमारे साथ कैपिटल कॉम्प्लेक्स के UDN टाउन प्लानिंग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ग्यामर तातुंग जी है। तो सर आज विजिट में आए, तो सर से हम सीधे अपडेट लेंगे कि जो ISBT जो नाबम रूंगी ISBT लेखी का जो हालत रहता था, फ्लड हमेशा हर मानसून में आता था, तो सर ने लास्ट इंटरव्यू में सर ने कहा था कि जल्दी काम शुरू हो जाएगा। तो हम अभी देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत काम चालू हो चुका है, तो सर से हम अपडेट लेंगे कि अब तक क्या क्या हुआ है। सर जैसे आपने जैसे वादा किया था, कह सकते हैं सर आपने कहा था कि जल्दी काम शुरू हो जाएगा, तो हम देख सकते हैं काम तो चालू हो चुका है। सर हम जानना चाहेंगे कि अभी तक क्या क्या काम हो चुका है और क्या क्या पेंडिंग है। सर अभी हमारा आफ्टर टेंडर प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इमीडिएटली हमने एक्सकेवेशन शुरू किया है। अभी आर्ट वर्क का पूरा हो गया है, लेकिन आप पूरा देख सकता है ये अभी तक हमारा यहाँ का सिल्टिंग अक्यूमुलेशन जो है 60,000 क्यूबिक अभी है, करीबन 6,000 ट्रक का ऑलरेडी या डिपॉजिटरी, इसको भी अभी दाम करके बाहर निकालना पड़ेगा। तो जगह जो बहुत ये है सिल्टिंग का कारण बहुत तकलीफ़ है, लेकिन ये आगे जाके भी स्टोम वाटर ड्रेनेज को पहले हमारा एग्जिस्टिंग जो है थोड़ा साइज छोटा था और अभी भी है, उसको अभी डिसमेंटल करके हम लोग जो है 2.5 पहले किया था, क्योंकि उस समय का डिस्चार्ज कम था, लेकिन अभी आप रिज में कटिंग चल रहा है, इसलिए हमारा JCB और फॉकलाइन मूवमेंट के लिए हम लोग 6 मीटर का ये का वीड रख रहा है ताकि डी सिल्टिंग का काम भी फ्यूचर में कर सके। जी, तो अभी हम सर आपसे जानना चाहेंगे कि टोटल लेंथ कितना रहेगा, जैसे आपने तो वीड तो बता दिया कि 6 रख रहा है, आप 6 मीटर का रख रहा है, तो अभी जैसे स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज बनने वाला था, रिटर्निंग वाल होने वाला, तो सर कितना मीटर का रहेगा उसका? ये 300+ स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज बनेंगे और करीबन 246 to 250 मीटर का रिटर्निंग वाल बनेगा, और डिपेंडिंग अपॉन साइड का हिसाब से, क्योंकि ये लेंथ थोड़ा इंक्रीज हो सकता है या थोड़ा डिक्रीज हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे हमको रिटेनिंग वाल बनाने का ज़रूरत नहीं है वहाँ पे हम नहीं बनाएगा, उसको हम ये स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज यहाँ से ISBT ये स्टार्टिंग से लेकर आप तो वहाँ रिवर बेड तक जो है ऑलमोस्ट ये 600 मीटर का है, लेकिन हमारे पास अभी प्रोविज़न सिर्फ 300 मीटर या 350 मीटर से ज़्यादा नहीं है कोस्ट का हिसाब से। और सर जैसे कि अभी हम जहाँ खड़े हैं वो तो वहाँ से फ्लो अपर अप स्ट्रीम से फ्लो होके आया वाला पूरा मड यहाँ पे वो हुआ है, तो सर अभी तक जैसे आपने बताया कि जैसे आप लोगों ने क्लियर तो किया है, लेकिन सर बता पाएंगे कि अभी क्योंकि यहाँ पे कह सकते हैं कि टन्स ऑफ सैंड जमा हो चुका है, तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा सर? अभी इसलिए इसके लिए मैं अभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या कंपिटेंट अथॉरिटी को रिपोर्ट देना पड़ेगा कि हमने ऑलरेडी वर्कआउट किया, इस देयर मोर देन 60,000 क्यूबिक सिल्टिंग हैज़ इज डियर अभी तक, इसको ये इसको अभी डी इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे हम लोग अभी करा है इसका नीचे में हमारा पार्किंग पेवमेंट्स है, हम लोगों ने चेक किया अभी भी इंटेक किया जो 3-4 साल पहले बनाया हुआ अभी भी है, तो इसको निकाल के डी सिल्टिंग के लिए उसको इसका इसको इसको रिमूव करने के लिए अनदर एक्स्ट्रा पैसा तो हमको चाहिए, 80-90 लाख तो मिनिमम तो चाहिए इस ये हीप को हटाने के लिए।
और सर जैसे कि लास्ट सितंबर के इंटरव्यू में आपने कहा था कि करीबन 4 करोड़ 70 समथिंग आप लोगों को सैंक्शन किया गया है, तो सर आपको लगता है जो सैंक्शन किया गया है उससे स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज बनेगा, रिटर्निंग वाल और साथ ही साथ आईएसबीटी का मेंटेनेंस होगा? क्योंकि देखने से तो सर लग रहा है कि नहीं जुड़ पाएगा, तो उसको लेकर सर आप कुछ इनिशिएटिव लेंगे डिपार्टमेंट हेड को या फिर गवर्नमेंट को सर? हाँ नहीं, मैं जो गवर्नमेंट का पास एलोकेशन था 472 उसका हिसाब से मैं एस्टिमेट बनाया, लेकिन हमने रिपोर्ट में ऑलरेडी हिस्ट्री रिपोर्ट में लिखा है कि ये पैसा इनसफिशेंट है, तो इसको पूरा बनाने में हमको करीबन 8-9 करोड़ तो चाहिए, इंक्लूडिंग सीधी सिल्टिंग, देन आगे नेशनल हाईवे से मतलब ये ड्रेन को स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज को चैनलाइज करके अप टू रिवर, ये दिकोंग रिवर तक लेके जाना पड़ेगा, देन मेंटेनेंस वर्क है। तो रिपोर्ट में तो ऑलरेडी लिख दिया है कि हमको और पैसा ज़रूरत पड़ेगा जी। और सर जैसे कि काम आप लोग का अक्टूबर 2021 अभी से चालू हुआ है, तो अभी देख सकते हैं कि थोड़ा मतलब अपग्रेड तो हुआ है, लेकिन सर आप बता पाएंगे कि कब तक जो भी आप लोग का फंड आपके पास रहेगा उससे कब तक जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज बन जाएगा, मतलब कंप्लीशन कब तक हो? क्योंकि मानसून सर यहाँ पे फरवरी से ही चालू हो जाता है, अभी अक्टूबर चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 4 या 3 महीना है, तो उसके बारे में थोड़ा अपडेट। हमारा कोशिश ये रहेगा कि बिफोर मानसून तक मैं इसको रेडी करूँ कि मतलब काम ख़त्म हो जाना चाहिए बिफोर मानसून तक, तो ये हमारा टारगेट है। उस हिसाब से हमारा इंजीनियर टीम्स का साथ, इवन ये कॉन्ट्रैक्टर का साथ में हम लोगों ने ऑलरेडी वर्क प्लान बना चुका है, तो द वर्क विल बी कंप्लीटेड बिफोर मानसून। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि ये डी सिल्टिंग जो एक रिकरिंग प्रोसेस हो गया, अनलेस आप अपर रीज में जो आर्ट कटिंग है इसको रेगुलेट नहीं करेगा, ये इतना वॉल्यूम, ये अभी मेरे ख्याल से लास्ट 3-4 ईयर्स में 60,000 क्यूबिक यहाँ ऑलरेडी एक्यूमुलेट हो गया, डिपॉजिट हो गया, तो एवरी ईयर में ये डिपोजिशन तो होते रहेगा क्योंकि ये लो लाइन एरिया हो गया। तो रेगुलेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लैंड का आर्ट कटिंग का रेगुलेशन कुछ निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रोहिबिशन ऑर्डर में भी होगा नहीं, क्योंकि सब तो अपना लेंथ को काटेंगे, लेकिन इसके लिए एक बाकायदा कुछ एक मैकेनिज्म ड्रॉ करना पड़ेगा कि सिक्योरिटी डिपॉजिट करे लो लाइंग एरिया में जो इफेक्टेड हुआ, तो उन्हीं का सिक्योरिटी को फॉरफिट करके जो मतलब विक्टिम से इनको ये करे, या गवर्नमेंट असेट को डैमेज किया है तो गवर्नमेंट का एक्सेकर में पैसा चला जाए, इस हिसाब से कुछ एक रेगुलेशन तो करना पड़ेगा। अदरवाइज ये अभी हम बना देगा बिफोर मानसून तक स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज बना देगा, जैसे हमारा कमिटमेंट है, लेकिन सिल्टिंग इश्यू हमेशा रहेगा सर। लेकिन हम आखिर में यही जानना चाहेंगे कि थोड़ा बहुत तो सर डिफरेंसेस देखने को मिलने लगता है आने वाले समय में, जैसे लास्ट 2019 को कह लीजिए या फिर 2018 को काफ़ी पूरा स्विमिंग पूल बन चुका था जो नबम रूंगी जो ISBT लिखी है, तो सर आने वाले साल में तो ये नहीं होगा, ये तो मेक श्योर कर सकोगे आप लोग सर? हाँ, मैं कोशिश करेगा कि आपको थोड़ा इसका चेंजेस फेस लिफ्टिंग पूरा आना चाहिए, पहले हमारा जो पार्किंग स्पेस को पीर हम इसको मतलब रीडेवलप करेंगे, पहले जैसे ओरिजिनल पोजीशन पे उसी पे हम लेके आएंगे, लेकिन मैं बार बार बोलता है कि सिल्टिंग प्रॉब्लम हमेशा रहेगा जी सर। थैंक यू सो मच सर, और जैसे आपने कहा कि आप काम लगातार आप लोग कंटिन्यू करेंगे और बिफोर मानसून आप लोग कंप्लीट करेंगे, तो हम भी बताना वही चाहेंगे कि सर हम भी कंटिन्यू फॉलो करेंगे न्यूज़ को जब तक ये स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज नहीं बन जाता है सर। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। थैंक यू।